सर मत झुकाइए, ये आपके लिए नहीं है, आंबेडकर की मूर्ति के लिए। कैसे चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना। माइक ने पकड़ लिया, आज माइक ने कवर हो गया, तुम हट नहीं की कागज बाकी नहीं करिए। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटीना है। नहीं नहीं, बस्तियों में बिजली जा रही है। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। जो तनकीद करते हैं उनका काम सिर्फ तनकीद करना, उनको गालबन कुछ और करना नहीं आता। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है, खुशहाली आ रही है मुल्क में। घर घर में बिजली पानी राशन होगा, घरेलू सार्फिन को भी सस्ती बिजली मिलेगी, पूरी शिक्षा मिलेगी, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, कॉलेज मेडिकल कॉलेज भी इंशाल्लाह कुड़िया में बनेगा, महंगाई जाएगी। ये महंगाई की कमर हम तोड़ेंगे। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर वन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तरक्की हो रही है, अल्लाह ताला का फजल करम है, खुशहाली आएगी, हम इनको एक बहुत खुशहाल मुस्तकबिल देंगे। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पॉवर्टी के नंबर्स आपको वैसे तो मिल चुके, हमने एक इवेंट किया था, 9.31% है पॉवर्टी लाइन। हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहाँ आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। हमें कहते हो कि जनाब अपने असासे डिक्लेयर करो, असासे तो अल्लाह के फजल करम से हमने कुर्बान किए पाकिस्तान के लिए। इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। इल्जाम लगाने मैं समझता हूँ जेब नहीं देता किसी भी चैनल को, जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं। अनेक्स्टर ए बी सी डी करके 18 सेक्शन है। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेजात पहले ही मुतल्लिका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे, हम लोहे के चने हैं। आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो, वहाँ की चौकट पार की है तुमने? सबको आप लेके आओ, इस्लामाबाद भी लेके आओ, इनको वजीर आजम हाउस दिखाएं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं, जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना वही जानता है। मुझे कई लोग पूछते थे जनाब नवाज शरीफ साहब आप वजीर आजम जब से बने आप इतने परेशान क्यों हैं? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। आप क्यों नहीं हंसते खेलते मुस्कुराते? मैंने कहा कि इतना मुझे जो बोझ है जिम्मेदारी का जो मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे हंसना भूल गया हूं मैं। पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। बेटा 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का। 7 भाइयों ने मेहनत मजदूरों की तरह 30 की दिहाई से सफर शुरू किया। केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ। आज मैंने एक आला सती अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो, मैंने तुम्हें रोका है क्या? कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। आपके खिलाफ आवाज उठाइए, उसका कुछ तो करना चाहिए ना। आज मैं इन सबका पोस्टमार्टम करके जाऊंगा खुदा की।